हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज हम आ गए हैं दिल्ली की मोस्ट फेमस जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा विजिट होती है एंड ये एक हिस्टोरिकल जगह है। तो वीडियो में बने रहना क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको काफ़ी कुछ यहाँ से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है सामने की साइड एंट्री पॉइंट एंड ठीक पीछे आप जाते हो तो यहाँ सामने से आपको टिकट मिल जाती है। तो दोस्तों, इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपये की एक टिकट है। बाकी आप सामने देखोगे तो कुतुब मीनार आपको दिख जाएगा एंड यहाँ पे गुम्बद बनाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार है इसकी ना हाइट 72 मीटर्स है जो कि दुनिया के सबसे 5 लंबे मीनारों में आती है। एंड बाकी आप देखोगे ना हर तरफ यहाँ पे आपको ना ग्रीनरी मिल जाएगी एंड ये कुछ डिटेल्स है यहाँ से रिलेटेड, आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों, ये जगह ना दिल्ली की मोस्ट विजिटिंग प्लेस में आती है। तो दोस्तों, व्लॉग में ना बने रहना, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो आगे भी मैं इस व्लॉग में काफ़ी कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, ये है अलाई मीनार, आप देख सकते हो कुछ बेसिक डिटेल यहाँ लिखी हैं। बाकी ना बेसिकली ये जो अलाई मीनार बनाया जा रहा था ना, ये ना कुतुब मीनार की डबल हाइट पर बनाया जा रहा था। तो दोस्तों, ये है वो पॉइंट जहाँ पे ना काफ़ी मूवी के शूट हुए हैं जैसे कि फना, चीनी कम, ब्लैक एंड वाइट। एंड ना आप देखोगे ना यहाँ पे ना ये जगह काफ़ी अच्छी बनाई गई है शूटिंग रिलेटेड। एंड आप आगे चल के देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ उर्दू में लिखा हुआ दिखेगा जो कि हाथों से तराशा गया था उस टाइम में। तो दोस्तों, इस जगह की जो देख रेख की जाती है ना वो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। एंड आप देखोगे ना यहाँ पे भी इस वॉल पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जो कि मतलब ना एक अलग ही एक मैसेज देता है। एंड आज भी इनकी जो बनावट है वो सटीक एकदम। तो दोस्तों, यहाँ पे ना ये एक मेटल पिलर है जो कि 13th century में बना था। बेसिकली ये इल्तुतमिश ने बनवाया था कुतुब मीनार की ट्रॉफी के रूप में। एंड ये यहाँ पे कुछ यहाँ इसकी डिटेल लिखी है जो आप पढ़ सकते हो जानकारी के लिए। तो दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार का काम चालू हुआ था वो 1199 से लेके 1220 के बीच के समय में हुआ था, जो कि काम स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिनकी हालांकि ही बीच में ही मौत हो गई थी। तो उन्हीं के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया कुतुब मीनार। तो दोस्तों, ये है कुतुब मीनार की गैलरी जहाँ पे लोग ज्यादातर वीडियो बनाने आते हैं, शूटिंग करने आते हैं। तो दोस्तों, ये है गैलरी की छत का कुछ डिजाइन जो कि कुछ ऐसा है, काफी अट्रैक्टिव है। दोस्तों, मैं हूँ ठीक कुतुब मीनार के सामने एंड आप देख सकते हो कि कैसा यहाँ से व्यू लगता है। तो कुछ ऐसा है कुतुब मीनार। तो दोस्तों, इसके अंदर जाने के लिए ना पहले जगह होती थी, रास्ता होता था जो कि यहाँ पे आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये है वो डोर। तो पास्ट में ना कुछ बच्चे इसके अंदर गए थे स्कूल के, तो पावर कट की वजह से वो बच्चे सारे नीचे गिर गए जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह है कुतुब मीनार का बैक साइड का हिस्सा जहाँ पे लोग नमाज पढ़ने भी आते हैं जैसे कि इसके अंदर। एंड आप देखोगे कुछ लोग यहाँ पे हैं जैसे कि निकल रहे हैं नमाज करके। तो दोस्तों, यहाँ पे भी ना वॉल में उर्दू से तराशा हुआ है इस वॉल को। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ गार्डन साइड में जो कि बैक साइड है ठीक कुतुब मीनार के। देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। बाकी दोस्तों, ये जो गेट बने हुए हैं ना जो कि ये हैं, ये मक्का मदीना की डायरेक्शन में बने हुए हैं। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ अलाई मीनार के गार्डन पार्ट पे जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। यहाँ कुछ फ्लावर हैं जो कि यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। एंड कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक पानी का कुआं है जो पहले खुला होता था लेकिन अभी के टाइम में ये बंद किया गया हुआ है। तो अभी मैं खड़ा हूँ खालजी टॉम के सामने जिसका रास्ता यहाँ सामने से जाता है। तो ये है यहाँ का गार्डन जहाँ पे काफी लोग अपनी वीडियो या फोटोग्राफी करते हैं कंटेंट के लिए। तो हे दोस्तों, ये था एक छोटा सा व्लॉग कुतुब मीनार का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा एंड काफी कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा, जाना होगा। तो चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको आगे भी ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।